इलेक्ट्रिक गाड़ियों को घर में सोलर पावर पर चार्ज करने वाले चार्जिंग पॉइंट लगवाएं और फ्री में गाड़ियां चार्ज करें। ये ईवी चार्जिंग पॉइंट घर में कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है और खर्चा कितना आता है? फ्यूल की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होने वाली हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोलर पावर के थ्रू हम यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अलाउ कर रहे हैं, सिस्टम अलाउ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए लिवोल्टेक कंपनी ने एक ऐसा चार्जिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दी है जिसके ज़रिए आप सोलर पावर से इस सिस्टम को कनेक्ट करके अपनी गाड़ियों को अपने घर में ही फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। लिवोल्टेक कंपनी से हमारे साथ सैफ सा मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये किस तरह सिस्टम ऑपरेट करते हैं और इसका जो इंस्टॉलेशन का जो एक प्रोसेस है वो क्या है, कितना खर्चा आता है। सैफ साहब, सबसे पहले ये बताएँ कि बेसिकली सारा सिस्टम क्या है, इस पूरे पैकेज में क्या क्या शामिल होता है। जैसे हम ये चार्जिंग पॉइंट देख रहे हैं या डॉक्टर देख रहे हैं, इसके साथ साथ क्या सिस्टम है कि सोलर पावर को कनेक्ट करके गाड़ियां घर में चार्ज हों? जी ऑब्वियसली आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में सोलर ने हमारे काफ़ी ज़्यादा रुझान लोगों में पाया गया। इसकी एक बेसिक वजह तो ये भी है कि हमारा टैरिफ बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ईवी चार्जर्स और ईवी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए लिवोल्टेक ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें हम सोलर पावर के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को, पहले ऑब्वियसली हमारा एक सेक्टर ये भी कवर कर रहा है कि हम सोलर को कवर करते हैं रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल को, देन उसके साथ साथ अब क्योंकि हमारी ये मार्केट भी डेवलप हो रही है तो हम इसको भी इनक्रेज किया है कि हमारे ताकि लोगों में यहाँ पर अवेयरनेस पैदा हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईवी चार्जिंग की तरफ जाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, क्योंकि हम देखते हैं रुझान बढ़ रहा है, तो क्योंकि हम देखते हैं फ्यूचर में हमारे पास फ्यूल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोलर पावर के थ्रू हम यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अलाउ कर रहे हैं, सिस्टम्स अलाउ कर रहे हैं ताकि हमारे क्लाइंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल अवेल कर सकें। इस चार्जिंग सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है, किस तरह से इंस्टॉलेशन है और ये वर्क कैसे करता है? देखिए बेसिकली चार्जिंग, जब हम सोलर की बात करते हैं तो सोलर पैनल तो उसके बेसिक इन्ग्रीडियंट्स हैं, सोलर पैनल्स होना उसमें बेसिक्स है। तो उसके बाद हमारे पास इन्वर्टर आ जाता है जो हमारे पास कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है, देन उसके बाद हमारे पास जो गाड़ियों के साथ लिंकेज के लिए यूज़ होता है तो हमारे पास ईवी चार्जर्स हैं। अब इसके हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं। देखें कुछ हमारे पास कमर्शियल अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली आपको अगर गाड़ी जल्दी चार्ज करनी है तो उसकी पावर रेटिंग हाई होनी चाहिए, तो हमारे पास इसमें पावर रेटिंग है 7 kW भी अवेलेबल है। अगर आपने गाड़ी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कुछ लोग रात को लगाते हैं चार्जिंग, उनके पास एक टाइम स्पेस अवेलेबल है तो फिर ऑब्वियसली वो एक ज़्यादा टाइम में वो चार्ज कर सकता है, लेकिन इसकी रेटिंग कम है। देन वी हैव 22 kW एज वेल। सो ये इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया कि फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मोटरवे पे इतना टाइम स्पेस अवेलेबल नहीं होगा कि आप 4-5 घंटे वेट करके उसका वो, तो उसके लिए हमारे पास हाई पावर डिज़ाइन किया गया है। तो हमारे पास डिफरेंट यू नो पावर्स में ईवी चार्जर्स अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज़। हमारे पास डोमेस्टिक भी अवेलेबल हैं और हमारे पास कमर्शियल ईवी चार्जर्स भी अवेलेबल हैं। इसको किसी दीवार में इंस्टॉल किया जाता है, कितनी जगह चाहिए होती है, कैसे इंस्टॉलेशन होती है और सोलर पावर से कैसे कनेक्ट किया जाता है? देखिए सोलर पावर के सिस्टम की बात की जाए तो सोलर पावर तो हमारे पास जितना सिस्टम के लिए रिक्वायर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई 7 kW का लगाना चाहता है तो उसके लिए रूफ माउंटेड तो सोलर पैनल सिस्टम 7 kW की जगह चाहिए होगी। जो स्टैंड के लिए जगह रिक्वायर्ड है इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। हमारे पास स्टैंड माउंटिंग में भी आता है, कहीं पर आपके पास सिर्फ ग्राउंड अवेलेबल है तो आपके पास वॉल अवेलेबल नहीं है तो आप स्टैंड भी लगा सकते हैं जो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास वॉल कनेक्टेड भी है, हमारे पास अवेलेबल है इसका सिस्टम डिज़ाइन, तो डिफरेंट डिज़ाइन कम्युनिकेशंस अवेलेबल हैं इसके अंदर। ठीक है, आपने दो कैटेगरीज डिफाइन की हैं, ये बताएं कि जो आप लो कैटेगरी बता रहे हैं मतलब जिस पे ज़्यादा लोड नहीं होता वो कितनी, मतलब किस तरह की गाड़ियों के लिए, उन गाड़ियों के नाम भी बता दें, और जो आपने हाई वोल्टेज बताया तो वो कौन किस तरह की गाड़ियों के लिए? देखें जो डीसी ईवी चार्जिंग है ना ये यूनिवर्सल होती है, हर गाड़ियों पर एप्लीकेबल होती है सबसे पहली बात। हाँ इसमें ये ज़रूर हो जाएगा कि लेट्स से कि अगर ये गाड़ी को 6 घंटे में चार्ज करता है तो इसी के कंपैरेटिवली ये सिर्फ 2 घंटे में चार्ज कर जाएगा, तो पावर डिफरेंस में ये आ जाता है गाड़ियों में। क्योंकि देखें आप जब घर में भी सिस्टम लगाते हैं तो ये सिमिलर है कि आपकी बैटरी कितनी कैपेसिटी की लगी हुई है, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हमारे पास चार्जिंग टाइम जो है वो वेरी करेगा। इस पर खर्चा कितना आता है, कैसे परचेज करेंगे हमारे देखने वाले नाजरीन, और इंस्टॉलेशन जो है करवाने के लिए आपको ही बुलाना पड़ेगा या कोई भी मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन जाके कर सकते हैं? देखिए इसे सबसे पहले तो जैसे आपने मेंशन किया तो हमने ये चीज़ मेक श्योर किया है कि इसको कोई भी इंस्टॉल कर सके। इसी के एडिशन में मैं ये भी बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल कोई सोलर यूज़ नहीं भी कर रहा लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसको भी ये यूटिलाइज़ कर सकता है कि अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी से इसको कनेक्ट करके तो इसको जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी ईवी को चार्ज कर सकते हैं। जहाँ तक खर्चे की बात है वो डिफरेंट करता है, वेरी टू वेरी, साइट टू साइट वेरी करता है। इसकी हमारे पास रेंज लेट्स से कि 7 kW है तो ये हमारे पास
विद सोलर अगर हम इसको कंसीडर करें तो 9 लाख से स्टार्ट होता है और अप टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वेरी करता जाता है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, कितना देर चलता है, इसकी कोई वारंटी भी होती है क्या? ऑब्वियसली देखें हमारे पास जो वारंटी पीरियड है लाइफ टाइम वो 5 ईयर्स है, ठीक है। और ड्यूरेशन तो आप ये देख लें कि अगर आप सोलर पे रन कर रहे हैं तो ये विद द सनशाइन आवर्स कनेक्टेड है, ठीक है, जब तक आपका सूरज अवेलेबल है आप तब इस पर रन करें। और अगर आप ऑब्वियसली जब ग्रिड से कनेक्टेड हैं तो फिर ये 24/7 अवेलेबल है, जब हमारे पास वापडा अवेलेबल है तो ये अवेलेबल है हमारे पास। क्या ये वाटर प्रूफ है, मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं दीवार पे लगने के लिए, बारिशें भी होती हैं पानी की छींटे भी पड़ जाती हैं घरों में लगाया होता लोगों ने, या गाड़ी वॉश करते हुए छींटे पड़ सकती हैं जिसके गैराज में लगा होगा? बिल्कुल, इसलिए आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो हमारे पास सिस्टम है ये टोटल सील्ड में आता है, ठीक है ना। इसकी आप सीलिंग देख सकते हैं, कनेक्शन टोटल इंटरनल है। हम अगर हमारे पास कैमरा भी देखना चाहिए तो इसमें हमारे पास ये IP65 कैटेगरी है जो कि मॉइस्चर प्रूफ होती है, तो इसी तरह एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को सस्टेन करने के लिए इसी को अकॉर्डिंगली रख के ये डिज़ाइन किया गया। आप बता दें कि जो देखने वाले नाज़रीन हैं कैसे खरीद सकते हैं, रब्ता कैसे करना है आपसे? वैसे बेसिकली हम लाहौर, कराची और उसमें वर्क कर रहे हैं, हमारा सोशल प्रेजेंस भी अवेलेबल है जिसमें हमारे पास लिवोल्टेक पाकिस्तान के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं।